वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डाइकन के हैवी ड्यूटी मॉडल के बारे में। ये डाइकन का हैवी ड्यूटी मॉडल आता है 1.5 टन फिक्स स्पीड में। अगर आप दूसरा देखो, डाइकन का कोई भी 1.5 टन है इस साइज़ में आता है। ये डाइकन का हैवी ड्यूटी मॉडल आता है सेम जैसे आपका FTKL सीरीज़ आ गई या FTKL 71 जो साइज़ का 2.2 टन होता, उसी साइज़ में इन्होंने हैवी ड्यूटी में अब 1.5 टन दिया डाइकन का। अगर फीचर्स की बात करो, 5 ईयर कंप्रेशर वारंटी है, 50 डिग्री तक आपको 100% कूलिंग प्रोवाइड करेगा, पावर चिल ऑपरेशन है, कोंडा या फ्लो का ऑप्शन आ जाएगा आपको, स्टेपलाइजर फ्री ऑपरेशन है, एंटी क्लोजन ट्रीटमेंट हो रखा है, गुड स्लीप टाइमर भी मिल जाएगा इसमें आपको। बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। इसमें आपको डिस्प्ले नहीं आती, 3D स्विंग नहीं मिलेगी, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अगर हम इसके प्रोज की बात करें, इसका फ्लो बहुत शानदार है, चिलनेस बहुत बढ़िया, R32 गैस में आती है, 100% कॉपर मशीन है, इंडोर भी आउटडोर भी। अगर इसके आप वेट की बात करो, 14 kg का इंडोर का वेट है इसका। ये देखिए, जो उनसे इनके पुरानी सीरीज आती थी बड़े इंडोर में, वो सेम इन्होंने निकाली है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा हैवी ड्यूटी थी मशीन। ये आपको 1.5 टन एंड 1.8 टन दोनों में अवेलेबल होगी मशीन। 43 इंच का इंडोर का साइज़ है इसका, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही बड़ा आ जाता है। ये देखिए, सिंगल फ्लैप में आता है, ये आपका सेंसर आ गया, रिमोट का ऑन ऑफ का बटन आ गया। साइड से लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मॉडल है डाइकन की तरफ से ये। अगर आप दूसरे मॉडल से कंपेयर करो तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करेगा ही, क्योंकि इसकी इंडोर की कॉइल बड़ी है, तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। अगर आप इससे कंपेयर करो तोशीबा से, तोशीबा का साइज भी सेम आता है। देखिए, तोशीबा और डाइकन का ये मॉडल सेम साइज़ में आता है, पर अगर आप कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो शिबा की थोड़ी सी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा, क्योंकि उसकी 5435 वाट कूलिंग कैपेसिटी है, वो कोई भी मशीन नहीं देती 1.5 टन में जितनी उसकी कूलिंग कैपेसिटी है। पर जो डाइकन की ब्रांड वैल्यू है तो वो आपको पता ही है कि डाइकन की क्या रेपुटेशन है मार्केट में और तो शिबा की क्या। तो दोनों का अगर कंपेयर करें, दोनों मशीन अपने अपने प्राइस रेंज में बेहतरीन है। डाइकन थोड़ी सी प्लास्टिक की क्वालिटी होगी, आपकी आउटडोर की क्वालिटी होगी, जो इनकी एंटी क्रोजन ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा सा आगे चले जाता है, पर अगर आप कूलिंग कैपेसिटी की बात करो जो उनकी कंपनी मेंशन करती है, उसमें तो शिबा आगे चले जाता है। कंजप्शन की बात करो, दोनों की कंजप्शन इक्वली होगी, क्योंकि दोनों 3-स्टार मॉडल आ जाते हैं, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। जो उनसे आपको प्राइस में बढ़िया लगे आप वो ले सकते हो। इस मॉडल में आपको कम से कम भी इस टाइम 40-50% डिस्काउंट मिल रहा है डाइकन की तरफ से।